दिल्ली के झंडेवालान मंदिर और छतरपुर मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी है, तो देश के दूसरे इलाकों में भी माता के मंदिरों में आराधना और उपासना चल रही है। हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की ये खास तस्वीरें। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देखिए, वहां चंद्र घंटा की उपासना की जा रही है। उपासना के लिए मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। माना जाता है कि मां चंद्र घंटा की पूजा आराधना करने से जीवन में सफलता मिलती है, लिहाजा माता के दिव्य दर्शन और उनकी आराधना के लिए भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए उन्हें चंद्र घंटा कहते हैं। सिंह पर सवार 10 भुजाओं वाली देवी के हाथ में अलग अलग शस्त्र होते हैं, उनके गले में सफेद फूलों की माला होती है। ये माता रानी का सौम्य, तेजस्वी और शक्तिशाली रूप माना जाता है। माता का ये रूप ममता और शक्ति का प्रतीक भी कहा जाता है। तो उनकी मुद्रा दुश्मनों का विनाश करने वाली है। पौराणिक कथा है कि माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की थी। माना यह भी जाता है कि माता की पूजा से जीवन की परेशानियां दुख सब दूर हो जाते हैं और सुख और समृद्धि जो है सबको मिलती है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरह से माता का आज तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा जो है उनकी पूजा हो रही है, उनकी आराधना हो रही है और लाखों की तादाद में आज भक्त जो हैं सुबह से ही मंदिरों में उनकी भीड़ देखी जा सकती है। दर्शन पाने के लिए भक्त जो है आतुर हैं और मां की एक झलक के लिए आज का जो स्वरूप है वो चंद्र घंटा स्वरूप है और माँ के मस्तक पर घंटे के आकार में चंद्रमा विराजमान है, इसलिए आज जो है वो चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों के सभी कष्ट सभी परेशानियां दूर हो जाते हैं। माँ सुख और समृद्धि जो है भक्तों को प्रदान करती है। देखिए, 10 दिन के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि 10 दिन लगातार ये महा कवरेज आपको GNT पर इसी प्रकार से दिखाते रहेंगे, तमाम तस्वीरें तमाम रंग आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज नवरात्र में माँ दुर्गा के पूजा भक्तों के लिए बहुत ही अधिक खास होती है। 9 दिनों तक ये पूरा पर्व चलेगा और आज माँ के तीसरे स्वरूप की पूजा आराधना का प्रावधान भी है और हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। तो मनीषा, दिखाइए आज किस प्रकार की रौनक है मंदिरों में। तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने की, उनकी असीम कृपा प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या है रंग मंदिरों के? मनीषा, आवाज आ रही है आपको? चलिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं। सुबह से ही भक्तगण कतारबद्ध तरीके से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और माँ को याद कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं क्योंकि आज माँ की आराधना का दिन है, माँ को याद करने का दिन है, माँ को प्रसन्न करने का दिन है, माँ में समा जाने का दिन है। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की आप भी पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको मौका नहीं मिला मंदिर जाने का तो GNT की स्क्रीन को देखिए और आप भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। शगुफ्ता, आज तीसरा नवरात्र है, हम देख रहे हैं कि जब से नवरात्रों की शुरुआत हुई है ना, रौनक ही अलग है और स्पेशली गुड न्यूज टुडे पर जो उत्सव का माहौल है वो तो देखते ही बनता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा हुई, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा आराधना में लोग लीन थे और आज तीसरा दिन जब माँ चंद्रघंटा की जो है पूजा हो रही है और सुबह से ही भक्तगण जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं माँ की पूजा के लिए, आराधना के लिए। और अब हम आपको दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर मदुरई में मीनाक्षी मंदिर के अलौकिक दर्शन करवाते हैं। तमिलनाडु के इस प्रसिद्ध मंदिर को सजाया गया है, रात में पूरा परिसर रोशनी से नहाया नजर आया। ड्रोन तस्वीरों में आप भी मंदिर की भव्यता और दिव्यता के दर्शन कर सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए, मीनाक्षी मंदिर की तस्वीर है जहां पूरा मंदिर परिसर जो है वो जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आज माँ दुर्गा के तीसवें स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। ऐसे में माँ चंद्रघंटा की कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, माँ को क्या भोग लगाना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित दिवाकर त्रिपाठी के साथ। नवरात्र के तीसरे दिन माँ भगवती के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की उपासना आराधना की जाती है। माता चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, माता पार्वती का विवाहित स्वरूप है। भगवान शिव से विवाह करने के उपरांत माता ने अपने माथे पर आधे चंद्रमा से सजना आरंभ कर दिया था, इसी कारण से माता के इस स्वरूप का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता का जो यह स्वरूप है 10 भुजाओं वाली है, जिसके हाथों में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र, धनुष,
यह स्वरूप बताता है कि माता सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहती हैं। किसके लिए? अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए। माता का यह स्वरूप जीवन में नकारात्मकता को दूर करने वाला है। इसलिए साहस, उत्साह, निडरता के लिए माता के स्वरूप का पूजा अर्चना की जानी चाहिए। माता की आराधना के लिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि वह मन, वचन, कर्म एवं काया अर्थात शरीर से शुद्ध हो, पूर्ण विधि विधान के साथ शुद्ध होकर के पूजा स्थल पर बैठ करके उपासना आराधना में तत्पर रहे, लगा रहे। इससे माता की असीम कृपा प्राप्त होगी। नवरात्र के तीसरे दिन दूध अथवा दूध से निर्मित वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। सबके तमाम रंग सिर्फ यही गुड न्यूज़ टुडे पर।